बिहार सरकार के खिलाफ एक आपराधिक अपील पर सुनवाई करते हुए भारत के मुख्य न्यायाधीश ने एक वकील को अदालत में सील बंद कवर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा है। जानते हैं कि सील बंद कवर न्यायशास्त्र क्या है। यह सर्वोच्च न्यायालय और कभी कभी निचली अदालतों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली एक प्रथा है, जिसके तहत सरकारी एजेंसियों से सील बंद लिफाफों में जानकारी मांगी जाती है और यह स्वीकार किया जाता है कि केवल न्यायाधीश ही इस सूचना को प्राप्त कर सकते हैं। भले ही कोई विशिष्ट कानून सील बंद कवर के सिद्धांत को परिभाषित नहीं करता है, सर्वोच्च न्यायालय इसे सर्वोच्च न्यायालय के नियमों के आदेश 13 के नियम 7 और 1872 के भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 123 से उपयोग करने की शक्ति प्राप्त करता है। अब जानते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश 13 के नियम 7 में क्या कहा गया है। नियम के अनुसार यदि मुख्य न्यायाधीश या अदालत कुछ सूचनाओं को सीलबंद लिफाफे में रखने का निर्देश देते हैं तो इसे गोपनीय प्रकृति का मानते हैं, तो किसी भी पक्ष को ऐसी जानकारी की सामग्री तक पहुंच की अनुमति नहीं दी जाएगी, सिवाय इसके कि मुख्य न्यायाधीश स्वयं आदेश दे कि विपरीत पक्ष को इसे एक्सेस करने की अनुमति दी जाए। इसमें यह भी उल्लेख किया गया है कि सूचना को गोपनीय रखा जा सकता है यदि इसके प्रकाशन को जनता के हित में नहीं माना जाता है तो। सील बंद कवर न्यायशास्त्र से संबंधित कुछ मुद्दे हैं। यह भारतीय न्याय प्रणाली की पारदर्शिता और जवाबदेही के सिद्धांत के अनुकूल नहीं है, क्योंकि यह एक खुली अदालत के विचार के विरुद्ध है जहां निर्णय सार्वजनिक जांच के अधीन हो सकते हैं। न्याय निर्णय की किसी भी प्रक्रिया में विशेष रूप से जिसमें मौलिक अधिकार शामिल हैं, इसके विवादों से संबंधित साक्ष्य दोनों पक्षों के साथ साझा किए जाने चाहिए। इसके साथ यह भी तर्क दिया जाता है कि आरोपी पक्षों को ऐसे दस्तावेजों तक पहुँच प्रदान नहीं करना उनके निष्पक्ष परीक्षण और न्याय निर्णय के मार्ग में बाधा डालता है। सील बंद कवर अलग अलग न्यायाधीशों पर निर्भर होते हैं, जो सामान्य अभ्यास के बजाय किसी विशेष मामले में एक बिंदु की पुष्टि करना चाहते हैं। यह अभ्यास को अस्थायी और मनमाना बनाता है।